काफ़ी अच्छा है ये तेल। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था बाल में शैम्पू करने में, बाल को कंघी करने में, इतने ज़्यादा मेरे बाल झड़ते थे, लेकिन बस इस तेल की वजह से मेरा बाल झड़ना बहुत कम हो गया। यदि आप सही हो तो आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमेशा सही बने रहो, क्योंकि जब सही वक्त आएगा ना तो वो खुद ही जवाब दे देगा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, वड़कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरफन मौला जागृति में। अभी बज रहे सुबह के 6 और मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, और उठने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने बाल को कंघी करती हूँ, क्योंकि ना रात भर सोने में बाल एकदम उलझ जाते हैं और बिल्कुल एकदम से इधर उधर से उड़ने लगते हैं, तो मुझे काम करना रहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इरिटेशन होने लगती है मुझे। इसलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है अपने बालों में कंघी करना, इसके बाद ही मैं दूसरा कोई काम करती हूँ। बाकी झाड़ू पोछा वगैरह मैं नहाने के जस्ट पहले करती हूँ। अभी तो मैं सबसे पहले छत पे जाती हूँ जहाँ पे मेरा किचन है, और मम्मी अभी सुबह के टाइम पे बर्तन धो रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं बर्तनों को स्टैंड में रखूँगी। पर रात को ना बारिश के जैसा मौसम बना लिया था, तो हम लोगों ने ना खाट बाहर से अंदर रख दिया था, तो पूरा किचन ना एकदम भरा भरा सा लगने लगता है। तो अभी सुबह सबसे पहले तो मैं खाट को बाहर निकाल के रख दे रही हूँ ताकि किचन थोड़ा खाली सा लगने लगे। इसके बाद अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद मैं हल्की सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ ताकि पूरा दिन मेरा अच्छा बीते, एकदम मैं एक्टिव फील करूँ अपने आप को। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। आज काफ़ी लेट हो गया मुझे सुबह ही उठने में, और मेरी छोटी बहन को अभी 8 बजे निकलना है कॉलेज के लिए। आज काफ़ी लेट हो गया। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि सबके लिए एक ही साथ सब्जी बना देती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसीलिए बस मैं पापा और अपनी बहन के लिए सब्जी थोड़ा सा बनाने जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा सबके लिए बनाऊँगी, इसलिए तेल भी बहुत सारा डाल दिया था कढ़ाई में, लेकिन जब टाइम देखा तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 7:15 बज रहा था और 8 बजे उसे निकलना है, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा पापा और उसके लिए ही सब्जी बनाया है। जब लेट होने लगता है ना तो दिमाग नहीं काम करता है, और इसी उधेड़बुन में मैंने अपने लिए एक ग्लास पानी रखा था गर्म पीने के लिए, और उसी पानी से मैंने आटा भी लगा दिया पूरा जल्दी जल्दी। चलिए मैं बाद में पानी पी लूँगी, लेकिन सबसे पहले तो मुझे इन लोगों को टाइम से नाश्ता कराना है ताकि ये लोग कॉलेज टाइम से पहुँच सके। मेरी बहन पापा के ही साथ जाती है कॉलेज, और पापा तैयार हो चुके थे, और इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि पापा के लिए नाश्ता भिजवा दिया। जब तक वो खाएंगे ना तब तक ये भी खा लेगी। पहले तो इसका मन नहीं कर रहा था खाने का, क्योंकि लेट हो चुका था ना, तो इसे बहुत घबराहट हो रही थी अंदर से, लेकिन जब मैं गुस्सा करने लगी ना तो इसे खाना ही पड़ा। चलिए, फिलहाल समझाने पर नाश्ता कर रही है, और अभी मैंने इन लोग को नाश्ता देने के बाद ना क्या किया कि आटा को ऐसे उठा के रख दिया, और अभी मैं बाकी का जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। मुझे अभी 2 तरह से सब्जी बनानी है। एक बनानी है आलू और परवल की सादा भुजिया, जैसे कि हम और मम्मी नाश्ता कर लेंगे और दोपहर में भी दाल चावल के साथ काम आ जाएगी, और दूसरी बनानी है आलू और परवल की रस्से वाली सब्जी। मेरे पापा को ना दाल मना है, डॉक्टर ने उन्हें दाल मना किया है, तो इसलिए वो दोपहर में लंच टाइम में सब्जी और चावल ही खाते हैं और रोटी लेते हैं, तो इसलिए मैंने आलू और परवल की भुजिया अभी सबसे पहले काट ली है और उनके लिए आलू और परवल काट कर अलग से रख दिया है। भुजिया बनाने के बाद मैं उसमें छौंका लगाऊंगी, और एक साइड मैं सब्जी बना लेती हूँ भुजिया, और दूसरे साइड में रोटी लगा लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद मैं चौका बेलना को ऐसे ही पानी से धो के एक साइड रख देती हूँ। ये पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन मम्मी मेरी कहती है कि रोटी सेकने के तुरंत बाद चौका बेलना को धो करके एक साइड रख दिया करो। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके बताना, और क्यों करते हैं ऐसा ये भी कमेंट करके बताना। और अभी मैंने एक साइड दाल चढ़ा दिया है, और मैं बनाने जा रही हूँ अपने बाल के लिए तेल। आज मुझे शैम्पू करना है, और जिस दिन भी मुझे शैम्पू करना होता है मैं उस दिन इस तेल को ताज़ा बनाती हूँ और अपने बालों में ताज़ा लगाती हूँ। ये प्याज का तेल है और ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है। बाल झड़ रहा था मेरा पहले बहुत ज़्यादा, और बस इस तेल की वजह से मेरा बाल झड़ना कम हुआ। तो आप बना भी सकते हो घर पर आसानी से, कोई भी बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बस आप अपने बालों के हिसाब से तेल ले लो, और लोही कढ़ाई अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल कढ़ाई जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें सब्जी बनाते हैं वो भी आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल लिया है, और एक छोटा सा प्याज लिया था उसको कट करके इसमें डाल दिया है, और एकदम आपको लो आँच पर इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये इस कलर में, मतलब हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
तो आप इसे छान भी सकते हो, वरना आप मेरी तरह से साइड भी कर सकते हो, जिससे कि तेल अलग हो जाएगा और प्याज एक साइड हो जाएगा। तो अभी तो ये गर्म है, तो इसे हम ठंडा कर लेते हैं। जब हल्का गुनगुना रहेगा ना, तब हम इसे अपने बालों में लगाएंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा था, तब तक मैंने सोचा कि पापा के लिए रसे वाली आलू परवल की सब्जी ही बना लेते हैं। और मेरा कुकर जो है ना, वो बस गिरने ही वाला था। स्टैंड जो है ना, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है चूल्हे का, नया लेना होगा, नहीं तो ये कभी बहुत बड़ा दिक्कत करेगा। और अभी ना मेरे सर में दर्द होने लगा था, तो मुझे याद आया कि मैंने सुबह पानी नहीं पिया है। सुबह से इतना टाइम हो गया, अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया, इसीलिए सर में दर्द होने लगा था। तो इसलिए मैंने फटाफट से एक गिलास पानी और गुड़ भी ले लिया, थोड़ा खा लिया, तो अभी जाके अच्छा लग रहा है। और हमारा तेल भी ठंडा हो चुका था, हल्का गुनगुना गर्म था तेल, तभी मैंने इसको अच्छे से पूरे बाल में लगा लिया है। हल्के हल्के हाथ से ना पूरे बाल में मैंने अच्छे से चंपी कर लिया। जब बाल झड़ रहे हो ना, तो हमें बहुत तेज़ हाथों से चंपी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाल और ज़्यादा टूटने लगता है। इसीलिए बहुत हल्के हाथ से अपने पूरे बालों में हमें तेल लगाना चाहिए। यदि आपके बाल भी झड़ रहे हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मुझे तो ये काफ़ी सूट किया, और मेरा बाल पहले बहुत ज़्यादा झड़ रहा था, लेकिन सच में मैं अभी 3-4 महीने से इसे अप्लाई कर रही हूँ, और इस तेल की वजह से मेरा काफ़ी कम हो गया बाल झड़ना। वरना तो मुझे कंघी करने और शैम्पू करने में बाल को काफ़ी डर लगता था, लेकिन बस इस तेल की वजह से मुझे काफ़ी राहत मिली। बालों में तेल अच्छे से लगाने के बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया है, और मम्मी को भी नाश्ता दे दिया था, तो मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ, कल का सामान आया हुआ था, मेरी छोटी बहन ने सारा सामान ला के रखा हुआ था, पूरे महीने का है ये सामान हमारा। अभी मैं जा रही हूँ इसको खाली करने के लिए, झोले में आके ऐसे ही रखा हुआ था कल का ही, तो अभी मैंने सोचा कि सारा सामान डिब्बे में भर देती हूँ, और जो सामान डिब्बे में भरना है उनको भर दूंगी। इसके बाद बाकी का जो पैकेट वाला सामान है, साबुन, निरमा, तेल हो गया, नमक का पैकेट वगैरह, उनको मैं अच्छे से डिटॉल से पोंछ दूंगी। जब से COVID-19 आया हुआ है, तब से कहिए कि कोई भी सामान बिना पोंछे, बिना सैनिटाइज किए मन ही नहीं करता घर में रखने का। ये एक अच्छी आदत भी है, COVID-19 के ही जरिए हम सभी को थोड़ी साफ सफाई की आदत लग गई है, और हम लोगों ने तो इस आदत को छोड़ा ही नहीं है। अभी भी जब भी कोई सामान बाहर से आता है, तो सबसे पहले उसे बकायदे सैनिटाइज करते हैं या अच्छे से डिटॉल से पोंछ देते हैं, इसके बाद ही घर में वो रखते हैं। अच्छी बात है, हम करोड़ों बैक्टीरिया से बचे रहते हैं। बाहर पता नहीं किस किस तरह से कैसे कैसे होकर के आता है ये सामान, तो हमें थोड़ी साफ सफाई की ध्यान भी रखनी चाहिए। सारे सामान को मैंने अच्छे से पोंछ के रख दिया सूखने के लिए। जब वो सूख जाएगा, तो हम उसको अच्छे से स्टोर कर देंगे। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ गैस पोंछने के लिए। गैस पोंछने के बाद मेरा काम रहता है बर्तन धोना, तो सुबह से सारे काम बस नॉनस्टॉप चलते रहते हैं। 10 काम बढ़ जाएंगे, लेकिन एक काम कम नहीं होता कभी भी। और कभी कभी तो ऐसा फील होता है जैसे कि मैं अपने मायके नहीं, अपने ससुराल हूँ। इस तरह से कभी कभी काम बढ़ जाता है, इतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि फील होने लगता है कि मैं अपने मायके नहीं, अपने ससुराल में हूँ। जिस तरह से एक लड़की अपने घर गृहस्थी को बहुत ही मेंटेन करके चलती है, कुछ उस तरह से मुझे भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। और सारा काम करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद मैं अभी अपने रूम में आ चुकी हूँ, और जो कपड़े सूख चुके हैं बस उनको फोल्ड कर दे रही हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से किसकी लाइफ बिल्कुल मेरी जैसी है, और कौन कौन लोग इस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, इस तरह से अपने घर को संभालते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और अपनी वीडियो को भी मैं बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पेंट करने जा रही हूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं कुछ नए बातों के साथ अगले वीडियो में, और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करना और बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ, बाय बाय।